नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल में। एंड गाइस, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं हिमांचल जीके का फर्स्ट लेक्चर। तो आप यहां पे देख सकते हैं कि पूरा का पूरा जो हिमाचल का मैप है हमने यहां पे ड्रॉ किया हुआ है, एंड इसकी बाउंड्रीज कौन सी डिस्ट्रिक्ट को टच करती है, एंड आउटर बाउंड्रीज किसके साथ है। तो ये सारी की सारी चीज़ें आज हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम जियोग्राफी की तरफ चलेंगे, इसमें कहाँ पे कितने दर्रे हैं, नदियाँ हो गई, उनके नाम हो गए, उनकी जितनी भी ट्रिब्यूटरीज हैं उन सभी के बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे एकदम डिटेल में। इट मीन कि आपको HPG के जो है अब एकदम डिटेल में देखने को मिल जाएगा। बेसिकली मेरी सेकेंड वीडियो है बोर्ड के ऊपर, सो हो सकता है कि यहाँ पे थोड़ी सी प्रॉब्लम हो, इसलिए मैं आज आपके लिए केवल बाउंड्री से रिलेटेड वीडियो लेके आया हूँ। ओके, तो इस वीडियो को हम शुरू करेंगे आज। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे आपको इंडिया का मैप मिल जाएगा। ओके, इंडिया का मैप। तो इंडिया में हिमाचल प्रदेश की लोकेशन कहाँ पे है, यहाँ पे। ओके, यह आपके पास डायरेक्शन होगी पूरी की पूरी, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ एंड साउथ। ओके, पूर्व पश्चिम उत्तर एंड दक्षिण। तो हिमाचल कहाँ पे आपके पास, यहाँ पे नॉर्थ में प्रेजेंट है। सो यहाँ पे हिमाचल है, एंड इसको थोड़ा सा एक्सपेंड करेंगे तो ये कुछ आपके पास इस तरह से जो है ये चेंज हो जाएगा। ओके, सो यहाँ पे आप देखोगे तो आपको पता है 12 डिस्ट्रिक्ट है हिमाचल प्रदेश में। सो टोटल अगर आप यहाँ पे देखोगे तो सबसे ऊपर कौन सी आती है, मैंने यहाँ पे जैसे सी लिखा है तो सी रिप्रेजेंट कर रहा है चंबा को। ओके, तो जो सी है यहाँ पे चंबा डिस्ट्रिक्ट, यहाँ पे देखोगे तो लाहौल स्पीति, उसके बाद देखोगे आपके पास यहाँ पे कांगड़ा है, आपके पास कांगड़ा, फिर ऊना, हमीरपुर, मंडी, कुल्लू, किन्नौर, शिमला, सोलन, सिरमौर एंड बिलासपुर हो गई आपके पास 12। अब यहाँ पे आप इसका एरिया भी देख सकते हैं कि किसका एरिया किसके अकॉर्डिंग सबसे ज्यादा है। तो अगर आप देखोगे तो लाहौल स्पीति का एरिया जो है सबसे ज्यादा है। अगर आप एरिया के अकॉर्डिंग देखोगे, अगर पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग देखोगे तो सबसे ज्यादा पॉपुलेशन जो आपके पास कांगड़ा की है। ओके, एंड लाहौल स्पीति में पॉपुलेशन काफी कम है। एंड अगर आप डेंसिटी की बात करोगे तो हमीरपुर जो है बेसिकली सबसे छोटा है, बट डेंसिटी के अकॉर्डिंग ये सबसे ज्यादा है, इसमें डेंसिटी जो है आपके पास। अब इसकी बाउंड्रीज आप देख सकते हैं, जैसे आपके पास चंबा की बात करते हैं तो चंबा जो हमारी डिस्ट्रिक्ट है किस किस के साथ जो है टच है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं जो चंबा है आपके पास वो लाहौल स्पीति के साथ टच है एंड कांगड़ा के साथ टच है। ये केवल दो जो डिस्ट्रिक्ट है हमारी उनके साथ टच करता है। नेक्स्ट हमारे पास लाहौल स्पीति ले लीजिए, तो ये आपके पास चंबा के साथ है, कांगड़ा के साथ भी है, एंड आपके पास कुल्लू के साथ है, किन्नौर के साथ है। नेक्स्ट अगर आप देखोगे ऊना को ले लीजिए, तो ये कांगड़ा, हमीरपुर, बिलासपुर के साथ टच है। एंड इसके बाद अगर आप हमीरपुर को लेंगे तो ये आपके पास कांगड़ा, मंडी, बिलासपुर एंड ऊना के साथ टच है। नेक्स्ट अगर मंडी को देख सकते हैं आप, तो यहाँ पे आप देखोगे तो ये कुल्लू के साथ टच है, हमीरपुर, बिलासपुर, सोलन, शिमला एंड कांगड़ा। जो आपके पास मंडी एंड कुल्लू है ये मैक्सिमम सबसे ज़्यादा जो डिस्ट्रिक्ट है उनको टच करते हैं। आप यहाँ पे काउंट भी कर सकते हैं कि कितने डिस्ट्रिक्ट को ये टच करते हैं। नेक्स्ट हम यहाँ पे देखेंगे सोलन, तो सोलन आपके पास 1, 2, 3, 4 एंड आउटर बाउंड्री की बात हम बाद में करते हैं। पहले आप इन डिस्ट्रिक्ट देख लीजिए कि जो डिस्ट्रिक्ट हैं वो किस किस को टच करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे शिमला हो गया, तो शिमला आपके पास कुल्लू को टच कर रहा है, मंडी, सोलन एंड सिरमौर को टच कर रहा है, किन्नौर आप यहाँ पे देख सकते हैं। सो बेसिकली ये बेसिक सा आइडिया है आपके पास। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो जो आपके पास चंबा है, कांगड़ा है एंड एल एंड एस लाहौल स्पीति है, तो ये बेसिकली जी एंड के जो है, ये ऊपर वाला पोर्शन जो है आपके पास ये बेसिकली जी एंड के वाला पोर्शन है, जम्मू एंड कश्मीर वाला पोर्शन। इस साइड अगर आप देखोगे जो लाहौल स्पीति एंड किन्नौर वाली साइड है, तो ये आपके पास यहाँ पे चाइना प्रेजेंट है। एंड अगर आप इस साइड आओगे तो जो कांगड़ा, ऊना, बिलासपुर, सोलन का कुछ एरिया है, यहाँ पे आपके पास ये पंजाब को टच करता है। एंड नीचे अगर आप देखोगे तो ये आपके पास हमीरपुर को टच कर रहा है, सॉरी हरियाणा को, नॉट हमीरपुर, तो ये हरियाणा को भी टच करता है। थोड़ा सा यहाँ पे यूपी के साथ भी इसकी बाउंड्री लग जाती है।
एंड अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे उत्तराखंड का जो एरिया है वो यहाँ पे आ जाता है। तो ये कुछ बेसिक सा इंट्रोडक्शन था आपके पास। ओके, इसके बाद हम इसके जो भी रिवर्स हैं उसके बारे में स्टडी करेंगे। तो थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पे बेसिक आइडिया दे देता हूँ रिवर्स के बारे में। इसके लिए हम सेकंड कलर यूज करेंगे। तो जैसे आपके पास, आपको पता है कितनी टोटल रिवर्स है हमारे पास, 5। ओके, मैंने आपको इसकी ट्रिक भी बताई थी, सच्ची आपके। ओके, यहां से आप इजिली याद रख सकते हैं। आपको सबसे पहले ये बीच वाले उठाने हैं, ची रा बे। सबसे पहले चिनाब, रावी, ब्यास, यमुना एंड सॉरी सतलुज एंड यमुना, इस तरह से आप इनको निकाल सकते हैं। एंड अगर हम सबसे पहले बात करेंगे चिनाब की, तो ये कहाँ से आती है आपके पास, लाहौल स्पीति से निकलती है। आपके पास ये तकरीबन यहाँ से 2 लेक्स निकलेगी, तो यहाँ से होती हुई ये और इधर से जे एंड के में एंटर कर जाती है आपके पास, जो फर्स्ट रिवर है। सेकेंड वे हमारे पास ये आएगी, जैसे चिनाब है सॉरी रावी, तो रावी हमारे पास यहाँ से चलेगी एंड यहाँ से क्रॉस करके वो अगेन जे एंड के में एंटर कर जाती है। उसके बाद हमारे पास ब्यास आएगी जो कि कुल्लू से निकलती है, तो वो यहाँ से चलेगी। उसके बाद हमारे पास सतलुज आएगी जो कि ये मानसरोवर से निकलती है एंड उसके बाद हमारे पास यमुना आएगी जो कि उत्तराखंड से, यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है। तो इसको हम कल आपके साथ डिटेल में स्टडी करेंगे एंड आई होप कि आप बोर्ड के माध्यम से इजी वे में इनको समझ पाओगे। ओके, तो आज का जो हमारा टॉपिक था वो बाउंड्रीज के बारे में था। तो फर्स्ट वीडियो है मेरी, अगर इसमें कुछ कमी रह गई तो आप हमें बता सकते हैं, कुछ लाइटिंग की प्रॉब्लम हो सकती है, वॉइस की प्रॉब्लम हो सकती है, तो उसको हम वीडियो मैं और ज़्यादा इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे। ओके, तो आज का यही टॉपिक था हमारे पास, आई होप कि आपको ये पसंद आया होगा। ओके, सो थैंक यू।